वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होने वाली चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग S23 अल्ट्रा, दूसरा IQ11 और तीसरा हमारा Vivo X90 Pro। देखते हैं किसके अंदर कितना है दम और कौन है पानी कम। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। इतना से स्पेक्स बताऊंगा सबका। S23 अल्ट्रा Snapdragon 8 Gen 2, 5000 mAh बैटरी, AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बारी आती है IQ11 की, इसमें भी आपको Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। X90 Pro की बात करते हैं, प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9200, 4870 mAh की बैटरी, AMOLED डिस्प्ले इसमें भी मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब शुरू करते हैं असली परफॉर्मेंस टेस्ट। दो घंटे का पूरा टेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग CPU थ्रॉटलिंग, ग्राफिक्स का टेस्ट करेंगे, गेमिंग का तो टेस्ट होने वाला है अच्छे से एकदम। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करेंगे, टाइमर भी एक बार मैं खोल लेता हूं। सो यहां पर मैं तीनों का स्टार्ट कर दिया हूं टेस्ट। अराउंड 15-20 मिनट हम लोग इस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। थोड़ा सा IQ जो है नीचे गया था। सो दोस्तों 15 मिनट की हमने CPU थ्रॉटलिंग कर ली और रिजल्ट्स बताऊं। सबसे नीचे जो है अभी S23 अल्ट्रा आया, जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो ग्राफ है बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, रेड जोन में चला गया था यार एकदम। टेम्परेचर देख सकते हो S23 अल्ट्रा में 38.5 हो रहा है, बैटरी 62 थी अभी देख सकते हो 57 हो गई है। IQ11 की बात करो 40 डिग्री तक चला गया है ये, इसकी बैटरी 80 थी ये अभी जो है 73 तक आ गई है। Vivo X90 Pro की बात करो इसमें भी आपको टेम्परेचर 40 के अराउंड ही दिख रहा है, इसमें बैटरी 72 थी अभी जो है ये 66 आ गई है। आप लोग जो है 3D मार्क से टेस्टिंग करने वाले हैं तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लिया हमने टेस्टिंग इसकी। A few moments later. दोस्तों बहुत शॉकिंग सा रिजल्ट आया है, ये देख सकते हो S23 अल्ट्रा में दिखा रहा है ओवरऑल स्कोर मैक्स आउट। IQ11 में देख सकते हो 8560 और X90 Pro में 8958, जबकि इन दोनों में आपको Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है, बट इसमें स्कोर मैक्स आउट इसमें 8560 is later. दोस्तों दूसरा दिन है आज वीडियो का, पूरी अच्छे से डिटेल 1 आवर की गेमिंग टेस्ट करेंगे, वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों पहले ऑन करके देखते हैं कौन सबसे पहले पावर ऑन होता है और अपने तीसरे हाथ को भी बुला लेते हैं। 1, 2, 3 लोगो आ गया सबका, तीनों का लोगो आ चुका है और देखते हैं कौन सबसे पहले ऑन होता है। सैमसंग ओ माय गॉड सैमसंग, तीनों मोबाइल्स में जल्दी से पबजी ऑन कर लेते हैं। रिसेंट ऐप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, जल्दी से BGMI ऑन कर लेते हैं। 1, 2, 3 चलो 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 मेरे वीरो चलो। किसमें ऑन होता है, वैसे S23 अल्ट्रा सबसे पहले पावर ऑन हुआ था तो मुझे लग रहा है कि शायद यही ऑन करे BGMI। और यहाँ पर X90 Pro सबसे लेट और IQ11 ओके S23 अल्ट्रा वाओ, तो ये भी ऑन हो गया। 1 आवर की गेमिंग स्टार्ट करते हैं। सेटिंग्स में आपको दिखा दूं, IQ11 अल्ट्रा SD, S23 अल्ट्रा अल्ट्रा SD, X90 Pro अल्ट्रा SD, तीनों में गेमिंग ऑन कर दी और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया अपना टाइमर भी। आ जाओ चलो 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 मेरे वीरे, गुड बाय ब्रो। दोस्तों अभी जो हम लोग S23 अल्ट्रा में गेमिंग कर रहे हैं, अगर मैं इसके बॉडी की बात करूं तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मतलब अभी मैं X90 Pro में भी खेल रहा था तो जब मैंने इसको होल्ड किया ये जो शार्प एजेस हैं थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं यार, और यहाँ पर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ तो ये स्पीकर भी कवर हो जा रहा है, जो एक्सपीरियंस था आपको बता रहा हूँ अभी। ये IQ11 थोड़ा सा जो है S23 अल्ट्रा से अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो शार्प कॉर्नर्स है वो उतने नहीं है जो कि S23 अल्ट्रा में बहुत ज्यादा थे, और इसका जो स्पीकर है वो भी यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर ग्रिप पकड़ रहा हूँ तो नॉइज रिडक्शन उतना नहीं हो रहा है। गुड बाय, ऑब्वियसली अरे भाई बोल भाई, क्या हाल है भाई, मुझे रिकॉल करोगे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश। दो नंबर, मेरा नाम बताओ। अच्छा
दोस्तों 45 मिनट के अराउंड गेमिंग हो गई है। टेम्परेचर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो IQ 11 41 डिग्री, S23 अल्ट्रा 40 डिग्री, X90 प्रो में देख सकते हो 44 चल रहा है। IQ 11 में बैटरी 78%, S23 अल्ट्रा में 83%, X90 प्रो में 75 हो रहा है। दो सेकंड के लिए छोड़ क्या दिया था टेम्परेचर दिखाने के लिए, मेरे टीम को ही हराने लगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बता मर गया। बढ़िया बढ़िया, दोनों को मारूंगा। पसीना, बहुत गर्मी है। ऑब्वियसली MVP तो होना ही है यार। ब्राइटनेस जो है सबसे कम वैसे X90 प्रो में लग रहा है, सबसे ज्यादा IQ 11 में लग रहा है, क्योंकि हीटिंग कम करने के लिए परफॉर्मेंस और ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दिया जाता है मोबाइल की तरफ से। तो चलिए अब जानते हैं जल्दी से कौन सा सबसे बेस्ट निकल के आता है इन तीनों में से। एक घंटे के अराउंड हमने गेमिंग कर ली, अब बताता हूँ क्या कंक्लूजन निकला है। IQ 11 टेम्परेचर देख सकते हो 40 के अराउंड हो रहा है। बैटरी हमने 100 से स्टार्ट की थी, अभी जो है 74 हो गया है। S23 अल्ट्रा टेम्परेचर देख सकते हो 40 के अराउंड, X90 प्रो टेम्परेचर 43, S23 अल्ट्रा बैटरी 80% हो रही है, X90 प्रो की बैटरी 71 हो गई है। ऑब्वियसली बैटरी के मामले में तो S23 अल्ट्रा ही जीतता है, और टेम्परेचर सबसे ज्यादा X90 प्रो का था, और S23 अल्ट्रा और IQ 11 दोनों बराबर के ही टेम्परेचर में थे। अगर मैं कंपेयर करता हूँ IQ 11 से देख सकते हो ब्राइटनेस इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। S23 अल्ट्रा मिडिल में लाइक करता है। लैग या FPS ड्रॉप किसी भी फोन में नहीं आया है, बहुत ज्यादा क्रीमी और स्मूथ एक्सपीरियंस तीनों में रहा है। तो थर्ड ये आया है X90 प्रो, सेकंड पे आता है हमारा S23 अल्ट्रा। आप एक घंटे दो घंटे तीन घंटे तक गेमिंग करोगे कंफर्टेबल आपके लिए नहीं हो पाएगा, ऐसे पकड़ना मेरे लिए तो नहीं हो पाया। और मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आया है वो है IQ 11। इसको मैं फर्स्ट इसलिए रखा हूँ क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशन है खेलने के लिए, इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होता है। देखो बैटरी जो S23 अल्ट्रा में बेस्ट है, बट IQ 11 में आपको बैटरी अच्छी मिली है, ऐसा नहीं कि एकदम खराब है, बहुत अच्छी बैटरी भी, ब्राइटनेस भी अच्छा है, फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हुआ, परफॉर्मेंस तो तगड़ी मिली ही है। तो ये था पूरा वीडियो इन तीनों मोबाइल के कंपैरिजन का। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, टेक ऑफ गेमिंग को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी क्वालिटी वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।